इस सीन में जब ये चिरकुट संजू के पैर में गोली मारता तो ये कारपेट की फट कारपेट फट जाता है यार। पर जैसे कैमरा साइड से एंगल लेता है तो जहाँ से कारपेट फटा था वहाँ से खुद ही सही हो जाता है कि साइड के एंगल से कोई भी गोली का निशान नजर नहीं आ रहा। और जब इसने गोली चलाई तो जरा ये गन में से आग देखो कहाँ से निकल रही है। वैसे जब गोली चलाओ तो आग आगे से निकलती है, पर लगता है इस गन को लूज मोशन हुई है जो पीछे से निकल रही है। पर अगर हम गौर करें तो पीछे से भी नहीं बल्कि पता नहीं कहाँ से निकल रही है, और दूसरी गोली चलाई तो ऊपर से निकल रही है। लगता है ये गन कहीं से लीक हुई है। इसी में जब ये गोली संजू के हाथ में ये बैग दे रही है तो पीछे एक एएफसी वाले पॉल के पास कुछ भी नहीं है, पर जैसे कैमरा थोड़ा दूर गया तो वहाँ एकदम ये कार आ जाती है और ये वाला चिरकुट भी जो इस शूटिंग को बड़े गौर से देख रहा है और देखी जा रहा है। इसी में पहले तो मुझे कोई ये बताया कि लिखा क्या हुआ है, इतना जूम करो फिर पता चल रहा है कि ये लिखा हुआ है, इससे अच्छा भाई तुम लिखो ही ना। और यहाँ रणबीर कपूर सूटे लगा रहा है और जैसे घूम कर वापस आता तो वो सिगरेट जबकि उसने उसे हाथ के लिए लगाया जो। और पहले ये कोट यहाँ पर हैंग्ड है इन दोनों कर्टन्स के बीच में, पर जैसे कैमरा दूर जाता है तो वो बिल्कुल इस कर्टन के साथ आ जाता है। मंगल सूत्र, इट साउंड्स लाइक कामा सूत्र। इस सीन में रणबीर कपूर जेल में है और जेल के फ्लश में से टट्टियां बाहर आ जाती हैं। पर टट्टियां बाहर आई वो तो सही है, पर जेल के कैदी को क्या। चलो फ्रेंड्स चाय पी लो। ये वीडियो इतनी अच्छी लग पड़ी जो इतनी चाय पी ली के सूसू भी चाय निकाल रहे हैं, जो गटर के पानी का कलर भी चाय जैसा ही हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी ने ऐसे गटर का पानी देखा। अगर देखा है तो कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि मैंने तो बस कर। इस सीन में साफ नजर आ रहा है कि संजू अपना सर जोर जोर से इधर मार रहा है और खून देखो बस यहाँ से निकल रहा है, और जैसे ही हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ तो इसके फोरहेड पर काफी चोटें आई हुई हैं, जबकि जब मार रहा था तब तो सिर्फ एक ही जगह से खून निकल रहा था और जहाँ से पहले खून निकल रहा था वहाँ पे इतनी छोटी सी चोट आई हुई है, जबकि जहाँ सर लगा ही नहीं वहाँ बैंडेज की हुई है। इसी में संजू कहता है कि बाबा कहते हैं कि लिप सिंक नहीं कर सकता, तो ये जो बंदा माइक में गाना गा रहा है उसके साथ लिप सिंक करना शुरू हो जाता है, पर कुछ देर बाद ये सब बाहर आ जाते हैं। अब बाहर तो माइक भी नहीं है तो ये कैसे लिप सिंक कर रहा है जबकि ट्रैफिक भी जा रही है और पब्लिक भी ज्यादा है, इसमें शोर भी ज्यादा होगा तो सबको ज्यादा में ये इसके लिप सिंक कैसे कर सकता है। और ये लाइव गाना गा रहे हैं रोड और ट्रैफिक भी जा रही है, फिर भी ट्रैफिक का साउंड हमें सुनाई नहीं दे रहा। इसी में संजू जब नीचे जा रहा होता तो इसके पीछे शैडो है ही नहीं बल्कि लाइट सा है, पर जैसे ही थोड़ा आगे जाता तो इसके पीछे जो लोग आ रहे होते हैं उनके शैडो तो काफी डार्क है। ट्रेलर में ये लड़की संजू को भीख दे रही है, इस लड़की को गौर से देख लो। अब यार लड़की को नहीं तो उसकी स्कर्ट को ही देख लो। और संजू ऐसे बैठा हुआ है, पर मूवी में भी यही लड़की भीख दे रही है, पर संजू देखो कैसे बैठा हुआ है। इस सीन में पुलिस वाले ने संजू को रैप्टा मारा जो कि लगा नहीं, पर यार देखो साउंड कैसा आ रहा है। साउंड ऐसे आ रहा है जैसे कोई शीशा नीचे गिरा हो। यार आजकल बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना। अब यार जितनी भी मिस्टेक थी वो शूटिंग की मिस्टेक थी, शूटिंग करते हुए ये मिस्टेक हुई वो बताई है मैंने। इस मूवी की स्टोरी से कोई मिस्टेक नहीं निकाली मैंने और ना ही निकाल सकता था, क्योंकि ये बायोग्राफिकल पिक्चर है सो ये रियल लाइफ स्टोरी है ना कि रियल लाइफ। हाँ अगर रियल लाइफ पिक्चर होती तो जरूर निकालता, पर अगर इतना कुछ एक्सप्लेन करने के बाद भी कुछ लोग इस वीडियो को डिसलाइक करेंगे तो भाई लोग आपके लिए तो बस मेरे पास यही रह गया। So enjoy.